एचपी लेजर टैंक 1005W प्रिंटर है। इसमें हम ड्रम कैसे रिप्लेस करेंगे आज देखेंगे। इसको हम प्रिंटर को ओपन करेंगे। ये एक स्क्रू खोलने के बाद स्क्रू निकाल लिया है। साइड में एक लॉक होता है, उसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ से एक इधर करने के बाद एक इधर साइड में हल्का सा पुश करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। पुश करने के बाद ये बाहर आ गया। केबल को हमने निकाल देंगे। डमी का केबल जो होता है, अब बैक साइड में जाएंगे। बैक साइड में खोलेंगे आपको, बैक साइड में इसको वहाँ पर इसको खोलेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये लॉक पे होता है। इसको खोलने के बाद ये लॉक होता है, थोड़ा सा पुश करेंगे बाहर आ जाएगा। ये देखिए निकल के बाहर आ गया। अब वैसे ही इस साइड भी खोलेंगे। सेम प्रोसेस है। अब अंदर से हम थोड़ा सा पुश करेंगे बाहर की तरफ। देखिए जैसा पुश कर, अब यहाँ पर लॉक होता है जो गियर जाकर ड्रम बैठता है। उसको हम बाहर थोड़ा हल्का से दाहिने तरफ पुश करेंगे, बाहर आ जाएगा। देखिए जैसा कि बाहर आ गया, अब इसको हम खींच लेंगे बाहर की तरफ। ये देखिए ये चिप लगा हुआ है। इस चिप को निकाल के हम नए वाले पे लगाएंगे। लगा के फिर नया, ये गंदा है थोड़ा सा, इसको साफ वाफ करके अच्छे से फिर लगा देंगे। चूहा जाके भी टूट कर दिया था, उसको क्लीन करना है थोड़ा सा। तो साफ कर रहे हैं कपड़े से, उसके से गंदा अंदर जो था वो साफ कर दिया। क्लीन करने के बाद हम नए ड्रम को लगाएंगे। लेजर स्कैनर है यहाँ पे, उसको भी हम थोड़ा सा साफ कर दिए हैं। ड्रम साइड में रखा हुआ है। ड्रम को अब चिप अप से खोल के नए डाले ड्रम पे लगा के बस देंगे। यही तो सेम जैसे निकाला था, फिर वैसे ही बैठाएंगे इसको ऊपर। तो हल्का सा पुश करेंगे अंदर की तरफ, बैठ जाएगा, लेकिन बैठा नहीं है। स्लाइडिंग नहीं कर रहा है सही से, लग रहा है उसे थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। सही से बैठा नहीं है गियर पे। जो ड्रम को घुमाने वाला गियर होता है वो ड्रम से ही प्रॉपर जाकर लॉक पे बैठा नहीं है, इसकी वजह से ये घूम नहीं रहा है। अभी थोड़ा सा इसको हम रिफ्रेश कर देंगे, गियर को हल्का सा आगे पीछे करेंगे, फिर से ड्रम को निकाल के फिर से बैठाएंगे। फिर से ड्रम को निकाला है हमने, फिर से बैठा रहे हैं उसको। ये पुश करेंगे सीधे सीधे बराबर बैठ। देखिए तो बात बैठ गया पास पास। बैठने के बाद पावर ऑन करेंगे, स्लाइडिंग कर रहा है। इसको एक बार टेस्ट पर निकाल के देखते हैं कैसे आ रहा है। उसके बाद फिर उसे पैक कर देंगे। जैसे टेस्ट पर निकालने के लिए आपको एरो बटन को दबा के रखना होगा। बाहर आ गया,
फर्स्ट क्लास साइकिल दिखा रहा है, वही है। अब इसको हम पैक कर देंगे, वो कह जा रहे हैं, तो इसको बंद करके पैक कर देंगे अच्छे से, जैसे खोला था वैसे पैक करें। बैक साइड में जाके जो दोनों लॉक जो खोला हुआ था वो दोनों लॉक लगा दिए। अगर हमारे चैनल का आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको पता चलेगा। लाइक एंड शेयर करिए ज़रूर। जो इसको टाइट कर दिया है तो उसको भी एक तरफ लगा के हमने टाइट कर दिया, बैक साइड में पैक हो गया है। अब इसको कुछ नहीं करना होगा, हो गया। अब आगे साइड में, आगे साइड में टर्न सेंसर का केबल लगा देंगे, दिख नहीं रहा सही से, टच करके दिख रहा है, केबल लगा दिया हमने। अब इसके ऊपर से ढक्कन लगा दिया, काफी गंदा था इसलिए साफ करके वैसे लगा देंगे इसको, साफ करके ढक्कन उठाया इस साइड से बैठा दिया, ये देखो बैठ गया। अब ऊपर का मेन ढक्कन और पूर्व वाला ढक्कन लगाएंगे, यहाँ पे स्क्रू लगता है उसको कसेंगे, हमने कस दिया। अब ऊपर का ढक्कन जो और जिस पे आउटपुट निकलता है वो ढक्कन इसको लगा देंगे, ये थोड़ा सा दरकोस करके फिर बैठा देंगे थोड़ा देर में। ढक्कन को लगा दिए, टेस्ट पेज निकालेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। ये देखिए टेस्ट पेज निकल गया, फर्स्ट क्लास प्रिंट आ रहा है। थैंक यू।